हेलो एवरीवन, अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट वन की वैल्यू क्या होती है तो शायद आपका आंसर होगा 1, जो कि 100% सही नहीं है। चलिए देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं रूट वन की वैल्यू x है, तो रूट ऑफ 1 लिख सकते हैं, और अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप 1 को लेफ्ट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करें तो हमको इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हो, जो कि फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इसे लिख सकते हो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस 1 या फिर एक्स इक्वल टू 1। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 की दो वैल्यूज होती हैं, न कि एक वैल्यू, और वो वैल्यूज होती हैं माइनस 1 एंड प्लस 1। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप आंसर लिखते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 की दो वैल्यूज आप लिखते हो, प्लस माइनस 1। उसी तरीके से कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट भी आप प्लस माइनस 2 लिखते हो। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 को आप यूनिटी भी कहते हो, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो इसको भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं कि मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू x है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिख सकते हो x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। अगर हम दोनों तरफ क्यूब लेते हैं तो हमको इक्वेशन मिलेगी x क्यूब इज इक्वल टू 1, और ये बनेगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, अगर आप 1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें। एक्स क्यूब माइनस 1 को आप एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब भी लिख सकते हो, और ये बनेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1 बनेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका एक सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू 1, और बाकी जो इक्वेशन आपको मिल रही है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप जानते हो कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप इसका जो सॉल्यूशन लिख सकते हो वो है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 से, तो आप यहां पे देख सकते हो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1, यानी कि x इक्वल टू आ रहा है माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 बाई 2। और आपको पता है कि कभी भी अगर किसी नंबर में किसी निगेटिव नंबर का रूट होता है तो वो नंबर रियल नहीं होता है। इन नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को आप आयोटा भी लिखते हो, तो x की वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। तो यहाँ पे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1 है, उसकी तीन वैल्यूज होती हैं, जिनमें से एक रियल वैल्यू होती है जो होती है 1, और बाकी दो वैल्यूज रियल नहीं होती है, ये वैल्यूज होती हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। तो x की जो तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं वो हैं माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 बाई 2। इन वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को हम जनरली ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक नंबर को हमने ओमेगा से डिनोट कर दिया, लेट ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 बाई 2, और यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो आपको इक्वेशन मिलेगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 रूट माइनस 3 बाई 4। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 बाई 4, और आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिलेगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस रूट माइनस 3 बाई 4। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलती है आपको माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 बाई 2, जो कि क्यूब रूट ऑफ 1 की दूसरी वैल्यू है। अगर आप इस वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू को ओमेगा रखते हैं तो आप लिख सकते हो ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाई 2। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री होल स्क्वायर बाई फोर, यानी इसको एक्सपेंड करने पे आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस थ्री प्लस टू रूट माइनस थ्री बाई फोर। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी आपको दैट इज माइनस टू प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री बाई फोर। टू को कॉमन लेने पे आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री बाई फोर, या फिर आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री बाई टू। तो यहाँ पे आपने देखा आप किसी भी एक वैल्यू को ओमेगा लो, हमेशा आपको दूसरी वैल्यू जो मिलेगी दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रूट भी देख सकते हो उसका। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो क्यूब रूट होते हैं यूनिटी के, यानी कि वन के जो क्यूब रूट होते हैं वो हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और वन, ये तीन क्यूब रूट होते हैं यूनिटी के यानी कि वन के। और आप इन तीनों वैल्यूज़ में एक रिलेशनशिप देखते हो, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, तो इसकी जो ओमेगा स्क्वायर को आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, दैट इज पहला रूट है माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री बाई टू प्लस माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री बाई टू, और तीसरी जो वैल्यू है दैट इज वन। तो तीनों को ऐड करने पे आपको मिलेगा माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री प्लस टू बाई टू, और ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो ये आ रही है जीरो। यानी आप कह सकते हो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सारी वैल्यूज का जो सम होता है। तो आई होप कि आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।